हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वोल्सवैगन पोलो डीजल इंजन, जिसका क्रैंकशाफ्ट सेंसर कहाँ पर होता है और क्रैंकशाफ्ट सेंसर को कैसे रिमूवल किया जाता है, ये मैं आज आप लोग का साथ शेयर करेंगे। गाइस, वीडियो का एंड तक देखते रहिए। सो ये आप देख सकते हो, हमने पहले इसका जो है फ्रंट का बम्पर निकाल दिया, इसका बाद जो है इसका बैटरी, इसका एयर फिल्टर, इसका हेडलाइट निकालने का बाद को आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो है, रेडिएटर का साइड में दो चार बोल्ट होता है, ये आपको रिमूव कर देना है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हो, ये जो है चेसिस का तीन बोल्ट आएगा, दोनों साइड में छः बोल्ट आएगा, यह छः बोल्ट आपको निकाल देनी है। और इसके बाद यह जो है कूलेंट का पाइप, एसी का पाइप, ये आपको जितने भी पाइप देखने को मिलेगा ये पूरा पाइप आपको रिमूव कर देना है। सो लास्ट में आप ये देखिए इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, ये आपको स्टार्टर तो पता ही है, स्टार्टर का बैक साइड आपको आना है, नहीं तो ये जो है ये आपको ऑयल चेक करने का जो गेज होता है इसका ठीक नीचे चला जाने का, ये आप देख सकते हो। ये मेरा भाई T25 बीट से यह थ्री वायर का कपलर है, यह कपलर रिमूव कर दिया। और यह आप देख सकते हो, ये जो है ये है क्रैंकशाफ्ट सेंसर, यह क्रैंकशाफ्ट सेंसर इसके अंदर T25 बीट का, ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं ये सेम ऐसा ही स्क्रू आएगा इसका अंदर। सो मैं यह आपको T25 यह स्क्रू आपको निकाल के क्रैंकशाफ्ट सेंसर दिखा रहा हूँ। गाइस, अभी हमने ये इसका अंदर का जो स्क्रू है वो हमने अभी निकाल दिया, तो अभी आप देख सकते हो हमें अभी क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है वो निकाल रहा हूँ। जल्दी निकालो भाई। ये देखिए ये है पोलो का क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ये आप अभी देख ही सकते हो हमने अभी निकाला है। सो थैंक यू गाइस, वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए।